इसमें कोई रहस्य नहीं कि कांग्रेस के हमारे भाई बंधु प्रधानमंत्री मोदी के प्रति काफी आकृष्ट है। जो तत्परता राहुल को किरण के लिए, राजकुमारी सूर्यलेखा को सूर्यवंशी के लिए या मनोज मुंतशिर को उर्दू के लिए नहीं होगी, उससे कहीं अधिक कांग्रेस पीएम मोदी के प्रति मोहित है। यह आकर्षण इतना तीव्र है कि अगर पीएम मोदी को छींक आ जाए तो वे ब्लेस यू नहीं कहते, अपितु वायु प्रदूषण के बारे में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने लगते हैं। प्राथमिकताएं अपनी अपनी। अब जब ओबामा ने भारत के विरुद्ध विष उगला तो कांग्रेस ही उत्साही चीयर लीडर की भांति इनके बचाव में आ गया है और संसार की हर शक्ति से भिड़ने को तैयार थे, संभवत थानोस भी। परंतु उन्हें क्या पता था कि उनकी रातों की नींद उड़ाने के लिए एक हिमंता दा ही काफी है। नमस्कार मित्रों, ATFI और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे ओबामा पर कसे एक तंज से लिबरल बिरादरी में त्राहिमाम मच गया और कैसे कुछ ही शब्दों में हिमंत बिस्व शर्मा ने पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग की हवा निकाल दी। अब देखा बेटा है, पीएम मोदी को ज्ञान देने में कोई भी प्रबुद्ध आत्मा पीछे नहीं रहना चाहेगा। और फिर ओबामा तो ओबामा ठहरे। जनाब, तो मोदी जी की अमेरिका यात्रा के समय ही बाइडन को उपदेश देने लगे कि कैसे उन्हें पीएम मोदी को अल्पसंख्यकों की रक्षा पर सुझाव देना चाहिए, अन्यथा भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। काश इतनी ही प्राथमिकता अपने देश की सुरक्षा और ISIS को नियंत्रित करने पर भी दिए होते। अब आंदोलन जीवियों का वैश्विक गिरोह अपनी पीठ थपथपाना शुरू किए ही था कि हिमंता दा के एक प्रत्युत्तर ने उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। हमारी प्रिय पत्रकार रोहिणी सिंह ने जब ये ट्विटर पर पूछा कि क्या असम पुलिस भारत की भावनाओं को आहत करने के लिए ओबामा को गिरफ्तार करेगी, तो शर्मा ने जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया, भारत में ही कई हुसैन ओबामा है, वाशिंगटन जाने पर विचार करना से पहले उनकी देखभाल को प्राथमिकता दे। बहुत जलकिया का तड़का अंग अंग फड़का। अब वामपंथियों के काटो तो खून नहीं, ऐसा लगा मानो हिमंता दा के अंदर मोहम्मद अली की आत्मा प्रविष्ट हुई और वे ओबामा को अपने शब्दों से दे घुसा धोए जा रहे हैं। इनकी कुंठा देखकर तो आपको राकेश टिकैत का रोना भी सुरीला लगेगा। हिमंता दा के इस ट्वीट पर बवाल मचना स्वाभाविक था, पर ऐसा, बाप रे बाप, कई वामपंथियों ने इस ट्वीट को ही मुस्लिमों पर अत्याचार समान बता दिया। क्या निधि, क्या प्रकाश राज, यहां तक कि फैक्ट चेकर मंडली के कोषाध्यक्ष मियां मोहम्मद जुबैर भी हल्ला मचाने लगे। सच में बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा गया। परंतु ई सर्कस यही नहीं रुका, कुछ महानुभाव तो इस बात पर अमेरिकी हस्तक्षेप की भी मांग करने लग गए। बताओ गुरु, एक ट्वीट के पीछे पीएम मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत के मानवाधिकार सिचुएशन पर ही प्रश्न लगा दिया। इनका कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि भैया अगर पीएम मोदी किसी दिन बोल दे कि चंद्रमा फलाने पदार्थों का मिश्रण है तो बोलेंगे कि मोदी तो झूठा है, असल में चंद्रमा पनीर का गोला है। बट ऑन अ सीरियस नोट, इतिहास की दो छोटी पर मोटी बातें समझना आवश्यक है। जिस प्रकार मियां ओबामा ने भारत के दूसरे विभाजन की धमकी दी है, यह हिंदुओं और भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इसी का उल्लेख युगों पूर्व इन्हीं लोगों के आका कार्ल मार्क्स ने भी किया और इसी टू नेशन थ्योरी को अपने जिंदगी का मकसद बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात एक कर दिया। अब कहीं यह भी ना कह दे कि कार्ल मार्क्स भी झूठे थे। ऐसे में हिमंत बिस्व शर्मा ने ओबामा की बकैती पर जो चुटकी ली, उनका तात्पर्य केवल इतना था कि जो भी भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा उसके साथ विधि के विधान के अंतर्गत ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। परंतु जो मिर्ची वामपंथियों को लगी है और जो ये बिलबिलाए जा रहे हैं, उसकी एक अलग प्रदर्शनी चलनी चाहिए। और अपना क्या है, मजे लेते रहो, ज्ञान देते रहो।